You've been talking about patience, hoping for everlasting. Hey, hello and hi दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रेगिस्तान चैनल फिर से एक बार। तो ये है कि मैं हूँ डिजाइन आश्रम में। What is real and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. ये मैं मतलब कि काउसर्फिंग के थ्रू ही इधर आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ रहने का अवसर दिया है। काफ़ी पीसफुल है और ये पेड़ देख सकते हो, ये वाला पेड़ है काफ़ी मतलब खूबसूरत है, मतलब बीचों बीच है। और ये कुछ 100 ईयर से भी ज़्यादा पुराना हाउस है। मतलब ये तो इसको एक आश्रम में वो किया, पर एक्चुअली आश्रम नहीं, मतलब आर्किटेक्चर कह सकते हैं कि एक कंपनी है। तो ये समुंदर की ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, पर फिर भी बहुत अच्छी जगह है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ से साइकिल रिपेयर करना है मुझे। वैसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं इसका कैरियर, कोची से लेकर सब जगह ढूंढ लिया, मिला नहीं मुझे। तो इस वजह से अब मैं जाऊँगा, यहाँ एक है कुछ तो बोट राइडर करके शॉप है वहाँ। देखा जाए तो आज का मौसम काफ़ी खूबसूरत है, मतलब कि आज कोई भी क्लाउड ही नहीं है, मतलब धूप लगा हुआ है। तो बोट राइडर्स वालों के पास भी अवेलेबल नहीं है, उनके पास दूसरा कैरियर है, पर इसका कुछ तो प्रॉब्लम, इसके लिए इसका कैरियर यहाँ भी नहीं मिला, बोट राइडर के पास भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि मतलब ये डिस्क ब्रेक वाला है ना, तो डिस्क ब्रेक डिस्टर्ब करेगा उसको। तो अब पता नहीं क्या करूँ मैं, मतलब इसको वेल्डिंग करूँ या दूसरा खरीदूँ, मैं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वेल्डिंग कर देना चाहिए सिंपल से, पूरी तरीके से शक। तो मैं अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ डीकैथलॉन यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर समथिंग है, तो वहाँ जा कर देखता हूँ कि वहाँ मिलता है क्या मुझे। तो मैं साइकिल बना के जा रहा हूँ अपने रूम की ओर, सॉरी आश्रम की ओर, ठीक है, जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये है ब्रिज ऊपर से, पहले मैं नीचे से निकल गया था, तो अभी बस फिर घूम के आया हूँ ऊपर से। ये ना बहुत बेकार आदत है मेरी, मैप नहीं देखता मैं। तो फिर बाद में मैप देखा तो मालूम पड़ा कि गलत रास्ते से जा रहा हूँ। तो ये है, मेरे को जाना है इधर से। तो नीचे से जो रोड दिखा रहा था वो स्थान। तो आज का कुछ ऐसा है मौसम, आज मतलब कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर, पर कोई ना, चलता है, कभी गर्मी कभी छाँव कभी धूप। तो मैं साइकिल बना के आ गया हूँ जहाँ मैं गया था, गियर जंक्शन करके वो शॉप था, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रहा था, मतलब ये कैरियर ना कहीं भी नहीं मिल रहा। डीकैथलॉन में जा रहा हूँ, डीकैथलॉन में भी वही सेम मिल रहा है, और मुझे लग रहा था कि वो प्रॉब्लम करेगा, मैं दूसरा टाइप का ढूंढ रहा था, पर मिला नहीं। बस वहाँ हमारे ब्रदर थे एक, जो मेरा कल बात हुआ था काउच सर्फिंग के थ्रू उनसे, तो वो उधर मिल गए मुझे। फिर उन्होंने अपने हिसाब से जुगाड़ लगा कि वो कि और जिस शॉप में गया मैं साइकिल बनाने के लिए, उस शॉप के जो भी थे एम्प्लॉय काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे, मतलब ट्रैवलर के लिए, ट्रैवलर के लिए, तो उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। और वहाँ एक दूसरे जो रिपेयर करते थे, उनसे मेरी कल काउसर्फिंग के थ्रू बात हुई थी, मुझे पता नहीं था, उन्होंने बाद में मुझे बताया, तब मुझे पता चला। तो उन्होंने मुझे एक कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, देसी जुगाड़ लगा के कैरियर बनाया। अब मतलब कि अब मुझे नया ख़रीदने का ज़रूरत नहीं लग रहा है, पर देखते हैं अगर कुछ खराबी हुआ तो नया वो करूँगा, नहीं तो क्योंकि नया कुछ मिल नहीं रहा था ना, ये प्रॉब्लम था सबसे ज़्यादा। तो क्योंकि डीकैथलॉन में गया, डीकैथलॉन में भी वो सेम यही वाला सेम मिल रहा था, अच्छा नहीं था। और उसके बाद बहुत सारे शॉप में गया, वहाँ भी नहीं मिल रहा था, फ़र्क किस्म का मिल रहा था, रॉक राइडर सॉरी
बोट राइडर के पास गया था, उनके पास दूसरा वाला था ऐसा कुछ इस तरीके से था, पर वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और इसमें सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका गियर या इस यहाँ पे आता है तो गियर आने की वजह से वो फिट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ऐसा था, तो यही प्रॉब्लम हो रहा था, पर उन्होंने फिक्स करके दिया मेरा प्रॉब्लम। तो अभी और काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते इसका ब्रेक का भी प्रॉब्लम था और चेन का भी, तो सब रिपेयर करके दिया। मैं अभी हूँ कालीकट बीच के पास, काफ़ी अच्छा सा माहौल है और मेरा साइकिल यहाँ पे जो अब बन के एकदम से रेडी हो चुका है अब राइड के लिए। कल से मेरी यहाँ से राइड निकलेगी मैंगलोर की, और कुछ यहाँ से 235 किलोमीटर अभी बाकी है, हो सकता है दो दिन में मैं पहुँच जाऊँ उधर, पर ये है बीच यहाँ से। अभी मैं जा रहा हूँ आश्रम में, तो उसके बाद हो सकता है मैं शाम को आऊँ यहाँ, क्योंकि अब कुछ बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, बस साइकिल का प्रॉब्लम था वो थोड़ा सॉल्व हो गया, अभी फिक्स हो गया, तो अब बस कल सुबह यहाँ से निकलेंगे सीधा मैंगलोर की ओर। देखते हैं अगर आया तो फिर थोड़ा सा वीडियो वीडियो बना लेंगे, नहीं तो बस यही अंतिम वीडियो रहेगा। बस इतना ही था आज के लिए। You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy, I know it's infatuation. You know